आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज़, मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। सरकार के दावों के बावजूद सेक्टर 19 रेलवे लाइन पर रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास का काम लटकता जा रहा है। इसे जनवरी 2019 में आरंभ किया गया था और इसे 9 महीने में पूरा करने का दावा किया गया था, लेकिन 2 साल 6 महीने बीतने पर भी काम अभी भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा है, जिससे सेक्टर 19 की आबादी के साथ लाखों लोग प्रभावित इससे हो रहे हैं। सेक्टर वासियों का यह भी आश्वासन दिया गया था कि मार्च 2021 में रेलवे अंडरपास खोल दिया जाएगा, परंतु अभी तक इसको नहीं खोला गया है और ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता अभी तक मिला है और अंडरपास की भी सुविधा यहां पर नहीं दी गई है। लोग कनेक्टिविटी ना होने के कारण 10 किलोमीटर इधर उधर से घूमकर वो घर पहुंचते हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि इमरजेंसी वाहन को सेक्टर में आना पड़ता है और इधर उधर से घूमकर आना पड़ता है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। और ये आरओबी आधुनिक डिजाइन और भारत का सबसे फास्टेस्ट आरओबी होगा। इस आरओबी कार्य के लिए एक ग्रुप फॉरेन का टूर करके आया है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संस्थाओं का दावा है कि वो पीडब्ल्यूडी और मुख्यमंत्री हरियाणा को इस आरओबी की हर गतिविधि से अवगत करवाते रहते हैं। हालांकि सरकार पूरा करने का दावा कर रही है, यदि निष्पादन एजेंसी की ओर से कोई विलंब यहाँ पर होता है तो अनुबंध के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में किए गए ज्वाइंट साइट विजिट में पंचकूला के एमएलए ज्ञानचंद गुप्ता और मेयर कुलभूषण गोयल के द्वारा सेक्टर के लोगों को ये भरोसा दिलवाया गया कि इसमें अब तक जितनी देरी होनी थी वो हो गई है और अब इस दीपावली तक ये आरओबी बनकर सेक्टर वासियों को समर्पित कर दिया जाएगा। तो रोजाना 8 से 10 किलोमीटर आपको बता दें लोगों को इधर उधर से घूमकर अपने घर तक पहुंचते हैं। यहाँ पे आरओबी नहीं है, कोई ओवरब्रिज नहीं है, अंडरपास भी नहीं खोला गया है। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प भी यहाँ पर लोगों को नहीं दिया गया है। हर बार सरकार दावे करती है लेकिन अभी भी स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है। लोग यहाँ वहाँ से, आप देख सकते हैं तस्वीरें साफ आपके सामने हैं कि किस तरह से लोग जंगल जैसे रास्तों से होते हुए अपने घर तक पहुँचते हैं और करीब 8 से 10 किलोमीटर का रास्ता ऐसे ही उनको जाना पड़ता है, तब जाकर वो अपने घर पहुँचते हैं। 9 महीने में ब्रिज का काम पूरा होना था लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। वादा किया था कि हाँ 9 महीने में पूरा हो जाएगा, इसके बाद भी लोगों कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। लोगों को ना ही अंडरपास की सुविधा है, ना कोई ओवरब्रिज यहाँ पर बना है, जिससे इस तरह के छोटे छोटे आप देख सकते हैं पट्टियों पर चल करके बच्चे बड़े बूढ़े सभी यहाँ से रोड क्रॉस करते हैं और अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, जुड़ चुके हैं जो गेस्ट हैं यहाँ पर, हरेंद्र मलिक हैं, बीजेपी से हैं, कांग्रेस से हैं रविकांत शर्मा, प्रधान पंचकुला विकास मंच से हैं राकेश अग्रवाल और नरेश नराना जी हैं प्रधान मार्केट एसोसिएशन सेक्टर 19 से। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत सबसे पहले स्वागत है कार्यक्रम में। यहाँ पर मैं सर सबसे पहले आऊँगी रविकांत जी आपके पास, इस मुद्दे को लेकर सबसे पहले आप अपनी प्रतिक्रिया दें, क्यों अभी तक ये ओवरब्रिज यहाँ पर नहीं बना है, ना ही कोई अंडरपास का विकल्प दिया गया है। इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ऐसा है जी, 2013 से इस संदर्भ में लगातार पत्र लिखे जा रहे थे। 2017, 14 दिसंबर 2017 को इसका एजेंडा हाउस में पास किया गया था और जनवरी 2019 के अंदर इस फ्लाईओवर को बनाने का काम स्टार्ट हुआ था और अगस्त 2019 में इसे फाटक को बंद कर दिया गया था और उस समय जो टाइम लिमिट दी गई थी वो टाइम लिमिट करीब 9 महीने की थी कि 9 महीने के अंदर इसे खत्म कर दिया जाएगा, पर लगातार आज 30 महीने के करीब हो गए हैं पर अभी तक ये खत्म नहीं हुआ, जिससे कि एक तरह से पूरी पब्लिक जो है वो परेशान है, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या कुछ भी हो, किसी भी प्रकार से कोई कनेक्टिविटी पंचकूला शहर के साथ सेक्टर 19 की फिलहाल नहीं है। और उस समय हरियाणा के टेक्निकल एडवाइजर थे श्री विशाल सेठ जी, जो कि जाके आए थे फॉरेन टूर पे और आके उन्होंने कहा था कि विदेश की तर्ज पे ये बनेगा, पर अफसोस की बात है ये तो ना देश की तर्ज पे बन पाया और ना ही विदेश की तर्ज पे बन पाया और कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार का ढिलमुल रवैया रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लेबर लगवा के काम किया जाता तो ये कंटिन्यू हो सकता था
और ये टाइम लिमिट के अंदर खत्म हो सकता था, पर कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन का ढीला रवैया है जिस कारण ये अभी तक संपूर्ण नहीं किया जा सका और उसका भुगतान जो है वो सेक्टर 19 की जनता को करना पड़ रहा है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं शासन प्रशासन का ढीला रवैया यहाँ पर है, तो इसके लिए आपकी तरफ से या पार्टी की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? आपकी पार्टी से ही आप ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं इस टाइम के दौरान, क्योंकि 9 महीने में ब्रिज का काम पूरा हो जाएगा ऐसा वादा किया गया था लेकिन अभी तक नहीं हुआ? हमने ये मेरे से पूछ रहे हैं जी, रविकांत जी आपसे। हेलो, हाँ जी रविकांत जी आपसे ही मेरा सवाल है, आपकी पार्टी वहां पर है तो हमारी तरफ से हमने लगातार प्रशासन से ये मांग की है कि इसको टाइम लिमिट के अंदर संपूर्ण किया जाए, परंतु अभी तक हमारी तरफ से या पार्टी की तरफ से जो भी डिमांड की गई या मांग की गई है उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है और ना ही सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। बस रोज नए नए टारगेट और नई नई डेट और महीने दिए जाते हैं जो कि अभी भी दिए जा रहे हैं और फिलहाल इनका कहना है कि दीपावली तक हम इसे पूरा कर देंगे, पर जिस हिसाब से काम चल रहा है लगता नहीं है कि दीपावली तक ये काम पूरा हो पाएगा। आप ही से एक और सवाल मेरा, बाकी गेस्ट आप बने रहे, आपके पास भी आऊंगी। ये कितने दिन पहले दावा किया था कि ये इस तरह का ब्रिज यहाँ पर बनेगा जो 9 महीने का वादा था, ये कितना टाइम पहले की बात है? ये जब एस्टिमेट बनाया था 2018 में इसका एस्टिमेट बना था और उस समय जब एस्टिमेट बना था तो टेक्निकल एडवाइजर थे हरियाणा सरकार के श्री विशाल सेठ जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने ये कहा था कि भाई ये विदेश की तर्ज पे होगा और 9 महीने के अंदर ये जनता के लिए जनता को सुपुर्द कर दिया जाएगा, पर 2018 के बाद इन्होंने 19 में काम स्टार्ट किया था तो ये लगा था कि भाई 9 महीने इन्होंने बोला है तो उसमें टाइम लिमिट तो जो भी इन्होंने टेंडर अलॉट किया होगा उसमें टाइम लिमिट तो जरूर दी होगी, पर उसमें टाइम लिमिट 2.5 साल या 3 साल तो बिल्कुल नहीं दी होगी। बिल्कुल, बीजेपी से हरिंदर मलिक हमारे साथ बने हुए हैं। हरिंदर जी आपको क्या लगता है, 2018 सर कह रहे हैं कि तब से ये लटका पड़ा है, एक टाइम लिमिट भी दिया होगा तो कितना दिया होगा? 2021 ऑलमोस्ट खत्म होने को है और चुनाव भी नजदीक है, तो आखिरकार आपके हिसाब से क्यों इतना डिले हो रहा है, क्या सरकार की इसमें कहीं ना कहीं गलती है? ये 2018 में शुरू नहीं हुआ, 2018 में इसका एस्टीमेट बनना शुरू हुआ था जी। इसका एक जो है इसके बारे में एक योजना शुरू हुई थी, खुद मंजूर हो गया था। ये जो समस्या है ये कोई आज की 2017-18 की समस्या नहीं है। मैं आपकी जानकारी में आपके माध्यम से सभी दर्शकों की जानकारी में लाना चाहूँगा, यह समस्या जब से सेक्टर 19 बसा ये पंचकूला से कटा हुआ सेक्टर, इसमें रेलवे लाइन थी और एक तरह से इसको किस्मत का फाटक भी लोग कहना शुरू कर दिया था। एक बार फाटक बंद हो जाता था इतनी लंबी लंबी यहाँ पर लाइनें लग जाती थी कि जब तक दूसरी ट्रेन आती थी फाटक बंद हो जाता था, परंतु अंत में जो गाड़ी लेकर के खड़ा हुआ वो फाटक क्रॉस नहीं कर पाता। तो लोगों ने यहाँ की वेलफेयर एसोसिएशन थी, कांग्रेस के नुमाइंदे थे, यहाँ के उस समय के नेता थे, उन्होंने इस समस्या को लेकर के वो उस समय के जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे रणदीप सुरजेवाला उनके पास वो गए, उन्होंने मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई और जो यहाँ के हमारे दिवंगत डीके बंसल जी उस समय पंचकूला से विधायक हुआ करते थे, उन्होंने विधानसभा के सेशन में इसका मुद्दा उठाया कि 19 सेक्टर जो है मेरी विधानसभा का एक ऐसा क्षेत्र है जो शहर में होते हुए भी शहर से कटा हुआ है। तो उस समय के मंत्री जी ने रणदीप सुरजेवाला जी ने ऑन रिकॉर्ड विधानसभा के अंदर इस चीज को नकार दिया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर फिजिबिलिटी नहीं है, पुल बन नहीं सकता। तो ये इस प्रकार की मानसिकता उस समय जो कांग्रेस की सरकार में काम देख रहे थे उन लोगों की थी, परंतु 2013 के जब कॉरपोरेशन के चुनाव हुए उन कॉरपोरेशन के चुनाव में हमने यहाँ की जनता से वादा किया, 2014 के चुनाव हुए उस समय भी हमने कहा कि हम हमारी जैसे ही सरकार यहाँ पर विधानसभा में आएगी तो हम यहाँ पर अंडरब्रिज या ओवरब्रिज बनवाने का काम हम करेंगे। अब जैसे सरकार बनी हमारे यहाँ से लोकप्रिय विधायक श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी ने गडकरी जी से मिलकर के बात की, मुख्यमंत्री जी से बात की, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, पंचकूला विकास रैली एक करके सेक्टर 16 में हुई थी जी। उन्होंने घोषणा की और उसके बाद इस पुल के निर्माण की योजना बननी शुरू हुई और 2019 के अंत में ये पुल बनना शुरू हो गया। और दुर्भाग्य से पूरे विश्व के अंदर एक कोरोना नाम की महामारी पूरे विश्व में आ गई,
पूरे पंचकुला ही नहीं, 19 सेक्टर नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो उस समय काम चल रहे थे कोरोना की वजह से, वह हरेक काम डिले होता चला गया। और वही एक बहुत बड़ा इसमें कारण रहा कि जो 19 सेक्टर का जो पुल था उसका भी काम धीमा हो गया, काम कुछ समय के लिए रुक भी गया, परंतु अभी काम बड़ी तेजी से पुल का चल रहा है और बड़ी जल्द हमारा मानना है कि नवंबर के अंत तक इसका काम बंद करके ये तैयार हो जाएगा। नवंबर के अंत तक आप कह रहे हैं कि काम हो जाएगा। जैसा आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि 19 सेक्टर के लोगों के लिए मुसीबत बन गया है, मेरा कहना है कि ये जो पुल है ये 19 सेक्टर के लिए, 19 सेक्टर के वासियों के लिए और साथ साथ जो पंजाब का आगे एरिया लगता है उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी सौगात है। इसका लाभ उन सभी को आने वाले समय में मिलेगा और बहुत जल्दी ये पुल बन करके तैयार हो जाएगा। बिल्कुल राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। राकेश जी, वहां पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2018 से तो एक वादा किया था कि बनेगा, कहीं ना कहीं जितना मुझे समझ आ रहा है कि उससे पहले से भी लोग वहां पर परेशान जरूर हो रहे होंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि करीब 8 से 10 किलोमीटर का इतना रास्ता होता है कि इधर उधर से होके लोग जो है छोटी छोटी पट्टियां डाल के रोड क्रॉस करते हैं, इस तरह से घर पहुंचते हैं। तो थोड़ा सा बताइए कि वहां पे लोगों को किस तरह की और भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और फिलहाल वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, लोगों का वहां पर क्या कुछ कहना रहता है और ये क्या 2018 से और कितने पहले से समस्या वहां पर बनी हुई है। पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगा मैडम, मैं आपने हमें इसमें जोड़ा, एक बहुत ही जबरदस्त मुद्दा है ये पंचकूला के लिए, एक सेक्टर ही नहीं पूरे शहर के लिए एक मुद्दा बना हुआ है। 33 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है जी। उसमें सबसे बड़ी बात यह है, अभी आपने सुना होगा बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला कि कांग्रेस के समय से चलती आ रही प्रॉब्लम है। सवाल आज वो नहीं है कि किसके समय से ये प्रॉब्लम चलती आ रही है, प्रॉब्लम तो जब से पंचकूला बना तब से चलती आ रही है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब एक प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया और उसके लिए आपने एक बहुत बड़े बड़े दावे किए कि एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय नई किस्म का डिजाइन है, तकनीक है, 9 महीने में पूरी हो जाएगी, क्या इसके लिए 33 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट बनाया गया जबकि पहले इसका इसलिए मैंने आपसे यही जानना चाहा कि 2018 में तो वादा किया गया था कि बनेगा 9 महीने के अंदर, अब लोगों को उससे पहले से जितना मुझे समझ आ रहा कि समस्या हो रही होगी उससे पहले से वहां पे आरओबी नहीं है, तो ऐसे में तब कोरोना नहीं चल रहा था, कोरोना तो अब आया लास्ट पिछले 1 से 2 साल हुए, उससे पहले कोरोना नहीं था। वैसे भी मैडम ये कोरोना के कारण सिर्फ 2 महीने का काम, कंस्ट्रक्शन का काम रोका गया था सरकारों द्वारा, कई सारे कंस्ट्रक्शन का काम ही चला है, काम चलाना चाहे तो चला सकते थे, बाकी काम तो चले हैं, ये नहीं है कि बाकी काम बंद हो गए और ये काम मतलब बाकी काम भी बंद हुए थे, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक बहाना है, काम डिले हुआ है इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके कारण आप अगर आप वीडियो देखे होंगे, आपने बच्चे स्कूल के बच्चे तक लाइन पार कर रहे हैं साइकिलें लेके, गलती से कोई फंस गया, कोई कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा, जिम्मेवारी लेने के लिए भी तैयार नहीं है। हमने आज जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है तभी इतनी बार ये हमने रेलवे अथॉरिटी को लोकल प्रशासन को सरकार को सभी को लिख लिया, लेकिन आप बीच में मत बोलिए, पहले मेरे को रेलवे में दीजिए, आपका बाद में नंबर आएगा बोल लेना उसको, लेकिन ये सच्चाई है, आप सभी के सामने वीडियो है, फोटोज है, अखबारों में आता रहता है कि किस तरह से लोग पटरी पार कर करके अपने काम पे अपने स्कूल में जा रहे हैं आ रहे हैं, क्या होगा इस मतलब जगह का, कब होगा पूरा होगा कि नहीं होगा, कहीं अपनी जान जोखिम में डालकर और बच्चे कहीं ना कहीं इतना किलोमीटर्स पैदल चलकर स्कूल जाते होंगे, आप कयास लगा सकते हैं, मतलब एक सोच के देखिए कितनी मुसीबत और कितनी दिक्कतें उन्हें फेस करनी पड़ती हैं और रोजाना। अब मैं आऊंगी सर नरेश जी के पास, नरेश नारंग जी हैं जो कि सेक्टर 19 प्रधान मार्केट जो वहाँ पे एसोसिएशन है उसके कह सकते हैं हेड हैं, तो यहाँ पर सर आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप सेक्टर 19 से ही हैं तो वहाँ की जो समस्या है जो स्थानीय लोग हैं वो आप बखूबी समझते होंगे, थोड़ा सा वो बताइए लोगों का क्या कुछ कहना रहता है क्योंकि जो वहाँ पे स्थानीय लोग हैं वो भी देख रहे होंगे कि कब से काम यहाँ पर अटका हुआ है। मैडम इसमें कोई शक नहीं है, ये 2019 में अंडर वर्क हुआ था और इसको बीजेपी ने करवाया है, लोगों की बहुत उम्मीद थी बीजेपी से कि ये फ्लाईओवर बने और लोगों ने उसको
2019 में ज्ञानचंद गुप्ता जी को और 2020 में हरिंदर मलिक जी को जिताकर अपना विश्वास दुगुना करा कि हम आपके साथ हैं, पर जब से ये आरओबी बन रहा है तब से लोगों में नाराजगी है कि लोगों को एक अपने सेक्टर में आने के लिए रास्ता नहीं मिला, जिसको हम वैकल्पिक रास्ता मानते हैं। जो भी प्रोजेक्ट है चलते रहते हैं, लेट भी हो जाते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि लोगों को अपने घर आने के लिए 15-20 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है, स्कूटर पे आना पड़ता है, गाड़ियों में तेल खर्च के आना पड़ता है। दूसरी समस्या ये है कि ये जो आरओबी है ये शुरू से ही अपने डिजाइन को लेकर चर्चा में रहा है। इसका जो टोटल डायामीटर है ये 18 मीटर का पुल है, 18 मीटर में ये सर्विस रोड है और बाकी का जो 10 मीटर बचता है वो फुटपाथ, 4 मीटर का मतलब 12 फुट की सड़क। सिंगल सड़क 12 फुट की कितनी कामयाब होगी, कल को सारे ट्रैफिक उसके ऊपर डाइवर्ट होना है, ये डिजाइन इसलिए थोड़ा सा फेल होता नजर आ रहा है। दूसरा, इन्होंने जो पुल आरओबी नीचे उतरेगा सेक्टर 19 की तरफ, वहां से यू टर्न लेके लोग हुड्डा में अपने घर को जाएंगे। जो वो हुड्डा का यू टर्न है वो भी 21 फुट का है, वहां पे 50 फुट से ज्यादा जगह पड़ी है, उसको कम से कम 30-35 फुट चौड़ा करने की जरूरत है, नहीं तो ये कल को सेक्टर 20 अंडरपास की तरह समस्या का बड़ा घर बन जाएगा। जी। और अभी ये जैसे कह रहे हैं 2021 नवंबर तक कंप्लीट कर देंगे, आशा करते हैं हम इस सरकार से कि ये जल्द से जल्द कंप्लीट करें। बहुत लोग तंग हो चुके हैं, लोगों का विश्वास ना खोया जाए, समय रहते इसको पूरा किया जाए और जल्द से जल्द जनता को ये पुल समर्पित किया जाए। बिल्कुल, और यहाँ पर रविकांत जी आपके पास आऊंगी। बताया जा रहा है कि ये 21 नवंबर तक का समय बताया जा रहा है, और जो बीजेपी से हरिंदर जी उन्होंने भी कहा कि दीपावली के पहले यानी कि नवंबर तक ये जो है ब्रिज है बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो इस केस में क्या करेंगे? मैडम, सवाल ये है कि नवंबर तक बन जाए तो वो बहुत बड़ी बात होगी। इसके एक वैकल्पिक रास्ते के तौर पर करीब 1-1.5 साल पहले एक अंडर पास बनवाने का कार्य स्टार्ट किया गया था सीआईडी पार्क के पास, जो कि निगम के चुनाव के दौरान ये कहा गया था कि फरवरी में वो जनता के लिए खोल दिया जाएगा, पर अफसोस की बात है कि वो भी अभी तक खुला नहीं है और उसका भी काम नहीं पूरा हुआ है। जी। तो आज के दिन नवंबर, ये डेट्स और ये महीने तो पिछले 2.5 साल से चलते आ रहे हैं, तो इस चीज की तो कोई गारंटी नहीं है। 2.5 साल से बता रहे हैं कोरोना की वजह से लटका हुआ है काम। मैडम, 2.5 साल से कोरोना नहीं चल रहा था, और 2.5 साल कोरोना के दौरान 2 या 3 महीने काम बंद रह सकता है, बाकी दिन तो कंस्ट्रक्शन हो रही है, और भी डिपार्टमेंट्स में काम चल रहे हैं या कॉर्पोरेशन के या और डिपार्टमेंट। मेरा सवाल यहाँ पर यही था कि चलिए मान लीजिए कोरोना भी 2-2.5 साल से था, उससे पहले से कई सालों से समस्या है, तो कोई भी पार्टी जिसकी भी सरकार रही उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ का काम करवाना चाहिए था, तो आखिरकार क्यों नहीं किया? एक दूसरे पे टालते रहते हो, जब चुनाव आते हैं तब वादे कर देते हैं, देन उसके बाद भूल जाते हैं, तो ये चीज थोड़ा सा समझ नहीं आती कि क्यों जो आप वादे करते हैं फिर उसको पूरा नहीं करते हैं, क्या सिर्फ चुनाव के टाइम के लिए इस तरह के जुमले होते हैं? मैडम, मेरे टाइम के दौरान 14-12-2017 की मीटिंग की हाउस में मैंने ये प्रस्ताव रखा था इस आरयूबी को बनवाने के लिए, और उसमें सर्वसम्मति से पास करवा के लाया था। उसके बाद 3 जुलाई को मेरा कार्यकाल खत्म हो गया था और बीजेपी ने वो उसके दौरान इस कार्य को आगे बढ़ाया था, और इसका एस्टिमेट जो है वो देख रेख में विशाल सेठ जी की देख रेख में पूरा हुआ, टेंडर उनकी देख रेख में लगा, आज ये बन उनकी देख रेख में रहा है। तो जो बीत गया है वो तो हो चुका है, पर मैं कांग्रेस की तरफ से होते हुए मैंने ये पास करवाया था और सर्वसम्मति से पास करवाया था। आज मुद्दा ये है कि ये बनेगा तो कब तक बनेगा, इसकी डेट क्या है, कब तक ये फाइनल हो जाएगा, क्योंकि बता तो रहे नवंबर 21। मैडम, नवंबर 21 ही है, तो जनवरी 19 से स्टार्ट हो रखा है, उस हिसाब से तो सितंबर 19 में तैयार हो जाना चाहिए था। कोरोना तो उस दौरान नहीं आया था, उस दौरान कोरोना तो मार्च अप्रैल 2020 में आया है, उससे पहले लेट हुआ तो उसके क्या कारण थे, और अभी तक जो लेट हो रहा है वो जिस हिसाब से काम चल रहा है उस हिसाब से तो ये नवंबर 21 तक भी पूरा नहीं होता। हरिंदर जी से इसका जवाब ले लेते हैं। हरिंदर जी, आप कह रहे हैं नवंबर 21 तक ये पूरा हो जाएगा, क्या कुछ इसकी गारंटी है, कैसे लोगों को उम्मीद एक है, जो मतलब कैसे आश्वासन देंगे, मतलब किस तरह कोई गारंटी है कि बन जाएगा? लोगों को उम्मीद इसी बात से होनी चाहिए कि हमारे लोकप्रिय विधायक और मुख्यमंत्री जी ने कहा तो उसको करके दिखाया, हम जो कहते हैं वो करते हैं, नहीं तो ये मुद्दा अभी जैसे राकेश जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, इन्होंने बताया जब से पंचकुला बसा तभी से ये समस्या थी, जब पंचकुला बसा सेक्टर 19 रेलवे लाइन के दूसरी का सेक्टर था और उसी समय सेक्टर बना तो समस्या शुरू हो गई, परंतु उस टाइम जो
ट्रेन थी, रेलवे की आवाजाही कम थी, तो इसलिए समस्या कम थी। धीरे धीरे 19 सेक्टर की आबादी बढ़ी, इसके साथ में बल्टाना का एरिया जो है वो बस गया, तो समस्या ज्यादा बढ़ गई। जैसे राकेश जी ने कहा था जो पंचकुला विकास मंच के प्रधान है कि जब से पंचकुला बना है तब से ये समस्या है, और आपने बताया कि एक सेकंड कि 2018 से ये वादा आपने किया था, लेकिन उससे पहले यानी पता नहीं कितने सालों से समस्या बनी हुई है। अभी कहा जा रहा है कि नवंबर 21 तक ये हो जाएगा, अभी अगस्त खत्म होने को आया सर, ये सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये सिर्फ 3 महीने, तो 3 महीने में कैसे बनेगा जब 9 महीने में नहीं बना, इतने सालों से नहीं बना, कोई गारंटी क्या क्या इसकी कोई फाइल या कुछ हुआ हो? अभी भी है कोरोना का प्रभाव, अभी भी है क्या 100% जैसे पहले था वैसा काम सुचारू रूप से शुरू हो गए क्या? अभी तक इस प्रकार का नहीं है, धीरे धीरे मुख्य धारा में। सर देखिए, आप इंडिया न्यूज के मंच पर बोल रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि 3 महीने में ये वहाँ पे जो ओवरब्रिज है वो बन जाए, तब तक के लिए अगर कोई आप ऑप्शन वहाँ पे देख सकते हैं लोगों के लिए, कोई अंडरपास वहाँ पर उसके लिए भी आप काम कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि आप वहाँ पर कोई भी हो, चाहे कांग्रेस भाजपा या कोई भी पार्टी होती है कि सत्ता में हो, आप विपक्ष में भी एक मजबूती से अपनी बात रख सकते हैं, सत्ता पक्ष से आप बात कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के अगर प्रतिनिधि नहीं भी हैं, आप वहाँ पर प्रतिनिधि रह चुके हैं, तो भी कहीं ना कहीं आपकी एक जिम्मेदारी एक इंसानियत के नाते से बनती है कि वहाँ के जन की जो समस्या है उन पर आप बात करते रहें, क्योंकि आपके क्योंकि पॉलिटिक्स मतलब समाज सेवा, अगर वो चीज़ अगर आपके अंदर है तो आप हमेशा करेंगे, तो जरूरी नहीं कि आप वहाँ पर सत्ता में ही हो, तो चाहे आप पार्षद कांग्रेस के वहाँ पे हो, भाजपा के हो। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राकेश जी भी और नारंग जी भी अच्छी प्रकार से इस चीज को जानते हैं, जो पंचकुला का सेक्टर 19 है वो पूरे शहर से निचला एरिया है जी, यहाँ पर पानी के जो मार है पूरे सेक्टर में, अभी आपको ध्यान होगा तो अभी बारिश में भी लोगों के घरों में पानी चला गया, तो जो ये कह भाई रेलवे लाइन के नीचे से जो पुलिया है उसके नीचे से वैकल्पिक रास्ता दिया जा सकता है जी, परंतु जब भी कभी पानी के वहां से प्रेशर बनता है तो सेक्टर में पानी भर जाता है, तो इसलिए वहां से, हाँ ये समस्या जरूर है, हमारे को हाईवे से घूम के जाना पड़ता है, 6-7 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको भी दिक्कत है, कोई पेशेंट है मरीज है उनको भी दिक्कत है, परंतु इस दिक्कत के बाद एक अच्छा समय बड़ी जल्दी आने वाला है, पुल के रास्ता जो है पुल चालू हो जाएगा, और ये सारे जो इस प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा है तो 2-3 महीने की और बात रह गई है, तो मैं नहीं मानता, जहाँ इतने दिन लोगों ने सहयोग किया है, पूरे सेक्टर के लोगों का सहयोग मिला है, तो थोड़े दिन और ये लोग सहयोग करेंगे। सर आप जिसके साथ दिक्कत होती कहते हैं वही समझ सकता है, और जो लोग डेली इतना दूर आ रहे हैं जा रहे हैं वो बखूबी अपनी समस्या को समझते हैं, उस दर्द को महसूस करते हैं, रोजाना गर्मी में पसीने बहाते हैं, अब कोठियों में रहने से, महलों में रहने से, गाड़ियों में, एसी में घूमने से वो दर्द को आप नहीं समझ सकते हैं सबके लिए। हालांकि आपने वादा जरूर किया है कि 3 महीने में, हम उम्मीद करते हैं कि 3 महीने में ये बन जाएगा, और आखिरी में मैं यहाँ पर आऊंगी नरेश नारंग जी के पास। नरेश नारंग जी, आखिर में आप थोड़ा सा बताइए, ये जैसे कि यहाँ पे रविकांत जी ने बताया है कि सॉरी हरिंदर जी ने कि 3 महीने में वहाँ पे ये ब्रिज जो है बन जाएगा, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, थोड़ा सा एक आखिरी में आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। जनता बिल्कुल बीजेपी को सपोर्ट करती रही है, और उनका सबसे बड़ा दुख भी यही है कि उनको लगता था कि सरकार बीजेपी की, स्थानीय विधायक हमारे MLA साहब बीजेपी से और पार्षद जी भी बीजेपी से हैं, पर उनको तब भी सुविधा का सामना करना पड़ रहा है कि उनके साथ कोई नहीं खड़ा, उनको आज तक वैकल्पिक रास्ता नहीं मिला। साफ सफाई की व्यवस्था देखें तो 19 सेक्टर से गंदा सेक्टर कोई सेक्टर नहीं है आज की डेट में, साफ सफाई नहीं होती यहाँ पर, लोगों को सिर्फ रास्ता मिल जाता तो लोगों की आधी से ज्यादा शिकायत दूर हो जाती। बिल्कुल सर, अगर अंडर पास को चिंता मत कीजिए सर, 3 महीने के बाद नवंबर में हम ही न्यूज चलाएंगे, हम ही फिर से एक डिबेट रख लेंगे, अगर वहां पर ब्रिज बन गया तो एक अच्छी खबर के तौर पर यहां से हम जरूर चलाएंगे, और सभी का आपका और स्पेशली पार्षद जी जो भाजपा, इनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अगर वो बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को भी काफी अच्छा वहां पे लगेगा, उनकी बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर समय मतलब खत्म हो चुका है, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी हमारे इस कार्यक्रम में आज जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि पंचकुला में वहाँ पर ओवर ब्रिज नहीं है, कोई अंडरपास नहीं है, इससे लोगों को खासा दिक्कतें होती हैं, हालांकि इतने सालों से कोई ब्रिज वहाँ पर नहीं बना है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 3 महीने का वक्त यहाँ पर और मांगा है वहाँ के जो पार्षद हैं, सांसद, उन्होंने, तो अब देखना ये होगा कि क्या 3 महीने के अंदर लोगों को इस समस्या से छुटकारा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इस पर हम जरूर अपडेट 3 महीने के बाद हम लेंगे। तो फिलहाल इससे ट्राई सिटी न्यूज़ में इतना ही, आगे खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।